नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यादव गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती के ऊपर, कि मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती की क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या कमियाँ होती हैं उनमें, क्यों बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो आज हैंडमेड ड्रॉ अगरबत्ती को छोड़ के मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती यूज करने लगी है। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ से इंपोर्ट होते हैं या कहाँ से आते हैं, इंडिया में जो उसके रॉ मटेरियल्स बनते हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी क्यों नहीं मानी जाती है, तो इन जो विशेष चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। शुरू करने से पहले करेंगे आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग अगरबत्ती उद्योग से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो हिडन जानकारियाँ हैं वो शेयर करते हैं, जिससे कि आपको आपके व्यवसाय में उसका एडवांटेज मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आपका ज़्यादा बिना समय लिए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये रॉ अगरबत्ती है, रॉ अगरबत्ती का पैकेट है हमारा 1 kg का। इसे अभी हम ओपन करते हैं। इस तरह की 1 kg का बंडल बना हुआ होता है हमारा रॉ अगरबत्ती का, इस तरह के पैकिंग में होता है। इसमें ये बम्बू स्टिक लगता है और ये चारकोल, वुड पाउडर और रोस्ट पाउडर को मिक्स करके इस पर मसाला चढ़ाया जाता है, जो मशीन के द्वारा होता है, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस मशीन बत्ती की खूबी यही होती है कि ये एकदम पूरा फिनिशिंग रहता है इसका, पूरा स्ट्रेट लाइन रहता है। जैसे हैंडमेड में होता है कि थोड़ा उभरा उभरा टाइप का रहता है, बट इसमें होता है कि ये पूरा फिनिश रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, पूरा राउंड रहता है। थोड़ा जूम करिएगा, देख पा रहे हैं कि ये पूरा राउंड रहता है इसका पूरा फिगर ही। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की आती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बड़ी कंपनीज आजकल मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती क्यों यूज करती है। पहले था कि हैंडमेड ड्रॉ अगरबत्ती अपने इंडिया में ज़्यादातर चलन में थी, बट अब हैंडमेड ड्रॉ अगरबत्ती चलन से बाहर हो चुकी है। इसका प्रमुख कारण है कि जब से चाइनीज और वियतनाम की घाटी आई है वो थोड़ी सी आसान लगती है कंपनियों को, ज़्यादा मैन पावर हायर नहीं करना पड़ता, एक मशीनरी से 10 आदमी का काम हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर कंपनी जो है कि मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती का यूज़ करती है। और ये दिखने में काफ़ी बेटर रहता है, इसलिए इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं खर्चा की। तो पर के जी ये रेडीमेड जो रॉ अगरबत्ती तैयार होता है, ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी होता है कि उसकी पोस्ट से कितनी दूरी है। जैसे बिहार में ज़्यादातर जगहों पर 70 रुपये से लेकर के 80 रुपये किलो तक ये बिकती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है 50 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो के आसपास आती है। कई जगहों पे ये 70 से कम में भी बिकती है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे ये इसका रेट अभी 70 रुपये से कम है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें स्मेल वाइज क्या क्वालिटी होता है इसका। तो हैंडमेड रॉ अगरबत्ती इससे ज़्यादा खुशबू करती है। इसका कारण ये होता है कि हैंडमेड जो रॉ अगरबत्ती होती है वो कम प्रेशर से बनी हुई होती है, वो हाथ से रोल किया होता है इस तरह से, इसलिए उसमें प्रेशर कम रहता है और वो हैंडमेड जो होता है वो ज़्यादा वायल ऑब्जॉर्ब करता है। और मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती जो होता है वो वायल थोड़ा सा कम ऑब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेस पे बना हुआ होता है, इसमें वैक्यूम बहुत कम रहता है, इसलिए ये कम वायल ऑब्जॉर्ब करता है। इस कारण से इसका जो खुशबू होता है वो थोड़ा सा हैंडमेड की तुलना में कम होता है, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है मार्केट में। मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, अभी मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती का ही ज़्यादा डिमांड है। और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इसका रेट भी अलग अलग है। तो मुझे लगता है ड्रॉ अगरबत्ती संबंधित लगभग जानकारी मैंने दे दिया आप लोगों को। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट बॉक्स में इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं, कि जो भी आपको दिक्कत हो, कोई सलाह लगे, कोई सजेशन आपके मन में आए तो वो आप हमें दे सकते हैं, कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।